हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है, यह उसका पार्ट थर्ड है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वह क्या है, 322 BC से लेके 185 BC तक का है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, जो मौर्यन साम्राज्य है उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने लास्ट नंद रूलर धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उन्होंने कब की थी, 322 BC में, ये आपको याद रखना। और किसकी हेल्प से की थी दोस्तों, तो ये कौटिल्य की हेल्प से की थी। तो इसलिए जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, वह कौन है, कौटिल्य हैं। और दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री को जानने का। अर्थशास्त्र में जो मौर्य साम्राज्य है उसकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो बिंदुसार हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और अशोका जो हैं वह बिंदुसार के पुत्र थे। दोस्तों, जो विशाखदत्त हैं, इन्होंने भी एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेगस्थनीज कौन था। तो मेगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था, यानी कि ग्रीक का एक राजदूत था। किसका था, तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में हराया था। दोस्तों, किसको हराया था, ये नाम आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, वह कौन था, मेगस्थनीज था। तो मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंडिका। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में जानने का। अर्थशास्त्र मैंने आप बताया कौटिल्य ने लिखी थी, और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, ये लिखी थी, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो ये लिखी थी विशाखदत्त ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स को आप मिस ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, जो सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका जो निर्माण है वह किसने कराया था, वह अशोक ने कराया था। जैसा कि हमें पता है, जो अशोका थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए इन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी बोला जाता है, और इन्होंने ही सांची स्तूप का जो कंस्ट्रक्शन है वह करवाया था। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और जो बिंदुसार थे इन्होंने जो आजीविका सेक्ट था उसको अपनाया था। मैंने कल आपको बताया था आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर थे वह कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अजातशत्रु के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हर्यंक डायनेस्टी के एक रूलर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक किस धर्म का अनुयायी था। मैंने अभी आपको बताया जो अशोका था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि इन्होंने जो धर्म महामंत्रास थे उनका अपॉइंट किया था बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए, और अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने मिशन भेजे थे बौद्ध धर्म को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। जो जैन धर्म था उसके अनुयायी कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें तो जो प्राचीन राजवंश था सबसे पहले मगध में, तो वह कौन सा था, हर्यंक डायनेस्टी थी, जिसकी स्थापना 544 में की थी। किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। लेकिन हम इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है, तो जो मौर्य हैं वह सबसे पहले हैं, वह सबसे प्राचीन हैं इन सब में। और दोस्तों, जो गुप्ता हैं, गुप्ता का जो टाइम पीरियड है मैं आपको बताती हूँ, 319 AD है, आगे जाके हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो कुषाण हैं
ये फर्स्ट एडी के हैं, और जो वर्धन है ये तो बहुत आगे हमें पढ़ना है, ये 550 के समथिंग एडी की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोका का कोई भी लेख नहीं पाया जाता है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो किंग अशोका थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए कई शिलालेख लिखे थे, जिसमें जो भी अशोका का धम्मा था, उसके जो रूल्स थे उनको लिखाया था उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। ओवरऑल जो थे वो है 14 रॉक एडिक्ट मिले थे, शिलालेख कितने मिले थे, 14 मिले थे। तो इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर एक भी नहीं मिला? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पर एक भी शिलालेख नहीं मिला है। गिरनार में मिला है, कांधार में मिला है, और टोपरा में मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया था? तो दोस्तों, जो किंग अशोका हैं, उन्होंने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था। मैंने आपको कल भी बताया था जब हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो किंग अशोका ने, सॉरी, चौथी नहीं, तीसरी जो बौद्ध सभा थी उसका आयोजन किया था। वह कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में किया था। जो चौथी है वो आप याद रखना, कश्मीर में हुई थी, कनिष्क ने कराई थी। ठीक है दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क ने कराई थी। जो तीसरी है वह अशोक ने आयोजित की थी। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में की थी, और 250 BC में की थी। इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखेंगे, 250 BC में की थी। और उसके जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वह कौन थे? मोगली पुत्ता तिस्सा। ये सारी बात मैंने कल आपको बताई है। तो अशोका ने बौद्ध सभा का आयोजन किया था, वह कौन सी थी? तीसरी थी। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में। कब की थी? 250 BC में की थी। जो चेयरमैन थे वह कौन थे? मोगली पुत्ता तिस्सा थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें क्या हुआ था, तो जो आपका तीसरा पिटक था, अभिदम्ब पिटक, उसकी रचना हुई थी। और यहाँ डिसीजन लिया गया था कि अलग अलग कंट्रीज़ में अब मिशन भेजे जाएंगे बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी किस रचना से मिलती है? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो संस्थापक हैं मौर्य साम्राज्य के। इन्होंने कब की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? ये मैंने आपको बताया, 322 BC में की थी। तो जो विशाखदत्त हैं, विशाखदत्त की जो रचना है मैंने आपको बताई, मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, मुद्रा राक्षस में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सारनाथ के अशोक स्तंभ में उपस्थित नहीं है? तो दोस्तों, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, एज अ नेशनल एम्बलम हमने उसको कब अडॉप्ट किया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमने इसको एज अ नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया था। तो इनमें से कौन सा जो जानवर है वह इसमें उपस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है बैल, यानी कि बुल वहाँ उपस्थित नहीं है। बैल से संबंधित, बुल से संबंधित जो स्तंभ है, यानी कि जो पिलर है, वह कहाँ मिलेगा आपको? रामपुरम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलेगा? रामपुरम में मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। रामपुरम में जो है एक स्तंभ मिला है जहाँ पे आपको बैल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीस किसका राजदूत था? तो ये मैंने आपको बताया, सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में हराया था। कब हराया था? 305 BC में हराया था। उसका जो राजदूत था, जो एम्बेसडर था, वह कौन था? मेगस्थनीस था। मेगस्थनीस की एक फेमस बुक जिसके बारे में मैंने बात की, इंडिका, जो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? तो दोस्तों, जो मौर्य समाज थी वह 7 वर्णों में विभाजित थी, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो 7 क्लास में डिवाइडेड था, जिसको सप्तांग भी बोला जाता था। जिसको क्या बोला जाता है? सप्तांग भी बोला जाता था। और उसका जो न्यूक्लियस, जो सेंटर हम कहें, जो हेड होता था, वह कौन होता था? राजा होता था। तो ये हमें कहाँ मिलती है ये इन्फॉर्मेशन? ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, कहाँ मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये 261 BC में हुआ था, जो कि अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। कलिंग जो है आज का मॉडर्न डे उड़ीसा है ना, वही कलिंग था। तो ये कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। और जो 13वां शिलालेख है वह हमें इन्फॉर्मेशन देता है कलिंग वॉर के बारे में। दोस्तों जो जूनागढ़ शिलालेख है ये किसका है, ये रुद्रदमन का है, और ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और जो 10वां शिलालेख है, 10th रॉक एडिक्ट है, वह जो अशोका है उनका कन्वर्जन बुद्धिज्म में हमें बताता है कि अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। ये कहाँ मिलती है इन्फॉर्मेशन, हमको 10वें शिलालेख में मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय जिला प्रमुख कौन होता था? तो दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे, उन्हीं में से हमें बताना है कि जो जिला का जो हेड था, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड हुआ करता था, जो चीफ हुआ करता था, वह कौन होता था? तो दोस्तों ये होते थे प्रादेशिक, अगर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। और अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, भूमि कर की बात करते हैं, तो जिले के जो मुख्य होते थे वह राजुका होते थे। ये आप याद रखिएगा क्वेश्चन, अगर लैंड रेवेन्यू आता है, कर से रिलेटेड आता है, तो वह राजुका होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आता है तो वह कौन होगा, प्रादेशिक होगा। और दोस्तों जो गोप थे, जो एक 10 विलेजेस का जो ग्रुप होता था उसका जो हेड होता था, यानी कि 10 विलेजेस का जो हेड था वह कौन था, गोप था। और जो ग्रामीण जो थे दोस्तों, वह एक विलेज के हेड हुआ करते थे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्कन का पठार जीता था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार, कालाशोक, इनमें से बताना है कि कौन सा राजा था जिसने दक्कन के पठार तक अपना जो साम्राज्य था उसको फैला लिया था, अपने पूरे एम्पायर को एक्सपांड किया था। कहाँ तक, दक्कन की हम बात करें तो मैसूर तक अपना जो साम्राज्य फैलाया था, तो वह कौन था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने मैसूर तक अपने साम्राज्य को फैला लिया था। ठीक है, इतनी बात हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया जो बिंदुसार हैं, इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों, ये आजीविका सेक्ट जो था, आजीविका धर्म इन्होंने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, अशोका ने बुद्ध धर्म। कालाशोक की बात करें दोस्तों, ये शिशुनाग डायनेस्टी के हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग अशोक के शिलालेख लिखने में किया गया था? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख, जो रॉक एडिक्ट्स जिनकी हमने बात की, उन्हें जो लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज में। मैंने कल आपको बताया था प्राकृत लैंग्वेज को अर्धमगधी भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, दोनों बातें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे सबसे जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल सेंटर है वो हमें बताना है कौन सा था। तो नालंदा की कल हमने बात की थी, यह पुराना है, जब बुद्धिज़्म के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ट था, और इसकी जो स्थापना की थी कुमार गुप्त ने की थी, और ये कहाँ है, बिहार में है। दोस्तों जो तक्षशिला है वह मौर्य काल का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जो आज कहाँ, रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों जो टाइम पीरियड है 600 BC से 500 AD के बीच का, उस टाइम पे यह एकदम फ्लोरिस्ट पॉइंट पे था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। दोस्तों अगर हम बात करें ओदंतपुरी की, तो ये भी बिहार में है, और इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, जो पाल रूलर गोपाल थे उसकी, उन्होंने ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कहाँ, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था? तो दोस्तों सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने स्थापना की थी, और जो आखिरी थे वह कौन थे, बृहद्रथ थे। इनकी हत्या कर दी गई थी 185 BC में, किसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी 185 BC में, और सुंग डायनेस्टी, सुंग राजवंश की स्थापना करी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो दोस्तों ये जो राजा हैं मौर्य साम्राज्य के, उनके नाम हैं और उन्हें किन नाम, कौन से और नाम दिए गए थे ये हमें बताना है, क्या उनके टाइटल्स थे तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनको सेंड्रोकोटस भी बोला गया है, और जो बिंदुसार हैं इनको अमित्रघट बोला गया है, यानी कि शत्रुओं का भी शत्रु बोला गया है यानी कि, और जो अशोका हैं इन्हें प्रियदासी बोला गया है, और जो चाणक्य हैं इनका जो नाम था वह क्या था, विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य। इनके जो आपको नाम याद रखने हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य का वर्णन अशोक ने अपने शिलालेख में किया है? दोस्तों हमें बताना है कि जो अशोका हैं उन्होंने अशोका की जो शिलालेख हैं उनमें किस साम्राज्य का वर्णन, किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो ये जो है आपके सतवाहना है, ये आपको याद रखना है। चोल और पांड्या की हम बात करें तो ये जो संगम एज जो है, संगम पीरियड के हैं ये जो साम्राज्य हैं, और गुप्ता आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों गुप्ता के बारे में। तो अशोका ने किसके बारे में वर्णन किया है, तो सातवाहना डायनेस्टी के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से शिलालेख में अशोक का नाम अशोक पाया गया है? तो दोस्तों जितने भी अशोका के शिलालेख हैं, जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें इनको अलग अलग नाम से लिखा गया है। तो दोस्तों जो मस्की का शिलालेख है, मस्की शिलालेख में अशोका का जो नाम है सिर्फ क्या लिखा गया है, अशोका लिखा गया है। दोस्तों जो भाबरू है, भाबरू का जो शिलालेख है उसमें मैंने आपको बताया था अशोका का बुद्धिज़्म में कन्वर्जन बताया गया है कि अशोका ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। जो 13वां शिलालेख है, अभी हमने बात की कलिंग वॉर के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों उत्तरांचल मतलब जो उत्तराखंड है, वहाँ कौन सी सिटी या कौन सी जगह से अशोक का जो शिलालेख है, रॉक एडिक्ट है, हमें मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर कलसी है। कलसी का जो रॉक एडिक्ट है वह हमें कहाँ से मिलता है, उत्तराखंड से मिलता है। यह एक जगह है कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत यानी कि अपना एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा था, जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीस था। उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का सोर्स है, किसका, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद राजवंश के पश्चात मगध में किसका शासन हुआ था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश के जो लास्ट रूलर थे, जो लास्ट किंग थे, जिनका नाम था धनानंद, 322 BC में उनकी हत्या कर दी थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों नंद राजवंश के बाद कौन आया था, मौर्य साम्राज्य आया था। शिशुनाग के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों, गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। और कौन से जो जैन मॉन्क थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को जैन धर्म में परिवर्तित किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भद्रबाहु इनका नाम था, जो भद्रबाहु एक जैन मॉन्क थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कन्वर्जन किया था किसमें, जैन धर्म में। और दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी हिल जो कि श्रवण बेलगोला में है, वहाँ जाकर इन्होंने अपने जो इनकी लाइफ थी, जो लास्ट डेज थे अपनी लाइफ के, वहाँ पे इन्होंने बिताए थे। बौद्ध धर्म, तो अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भबरू बैरत शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये राजस्थान से प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया इसमें क्या मिलता है हमें, अशोका का बुद्धिज़्म में कन्वर्जन की जो इन्फॉर्मेशन है वह हमें इस शिलालेख से मिलती है। और दोस्तों गुजरात
में जो है हमें गिरनार में शिलालेख मिलता है, मध्य प्रदेश में हमें सांची के स्तूप मिलते हैं, और उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में हमने देखा कलसी से हमें अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कलिंग जो वॉर था, 13th जो रॉक एडिक्ट में हमें कलिंग वॉर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस कलिंग वॉर के बाद ही अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे